हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। बस कुछ इसी तरह का हाल है अभी मध्य प्रदेश की सियासत का। प्रदेश की कांग्रेस के खाते में मौजूदा इकलौती सीट छिंदवाड़ा से नकुलनाथ लोकसभा की उम्मीदवारी कर रहे हैं। पति के चुनाव प्रचार में प्रिया नाथ भी पीछे नहीं है, और ऐसे ही एक प्रचार के दौरान प्रिया नाथ परिवार का और कांग्रेस का दुख बयां करती भावुक सी दिखाई दी। लेकिन वो क्यों भावुक हुई और नाथ परिवार का दुख आखिर है क्या, जानिए इस खास रिपोर्ट में, जिसके लिए मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 29 में से 28 सीट भाजपा के खेमे में थी, लेकिन पार्टी कमलनाथ के गढ़ क्षेत्र छिंदवाड़ा को भेदने में हर बार नाकाम रहती है, और इस विधानसभा चुनाव में भी एक लौती सीट कांग्रेस के हाथ आई। अब लोकसभा चुनाव करीब है, और ऐसे में जहां भाजपा अपना पूरा बल छिंदवाड़ा भेदने में लगा रही है, वहीं नाथ परिवार हर हाल में अपने क्षेत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रचार में नाथ परिवार की बहू भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसी दौरान प्रिया नाथ छिंदवाड़ा की चौरई सीट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं पिता कमलनाथ को देखती हूं तो बहुत दुख होता है, जिन्हें हमने अपना समझा, अपने परिवार की तरह प्यार दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया, अग्नि परीक्षा के समय वो ही हमें छोड़कर, हमें धोखा देकर चली गई। वो आगे कहती हैं कि इस बात का दुख जरूर होता है क्योंकि हमने उन्हें दिल से अपना माना था, लेकिन अब हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ थे, साथ हैं, और वो शक्ति पैदा नहीं हुई जो हमें 44 दिनों में अलग कर सके। ये शब्द कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रिया नाथ ने कहे थे, जिनमें उनका दुख साफ झलक रहा है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा की का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और ये दुख जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, उसकी ओर सीधा इशारा कर रहा है, जिसमें विशेष करके छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेहद करीबी लोग शामिल हैं। हाल ही का एक मामला है जब सोमवार को ही छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके ने भाजपा ज्वाइन कर ली। विक्रम अहाके कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने 30 साल की उम्र में छिंदवाड़ा में महापौर के तौर पर चुने गए। वो राजा खोह गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता नरेश अहाके एक किसान हैं और मां आंगनबाड़ी में काम करती हैं। विक्रम अहाके ने कांग्रेस के महापौर पद पर 18 साल बाद जीत दिलाई थी। उन्होंने बीजेपी के अनंत ध्रुवे को 3786 वोटों से मात दी थी। विक्रम को 64,363 मत प्राप्त हुए थे और 6,577 वोट अनंत ध्रुवे को मिले थे। उस वक्त अहाके ने ही कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी और अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके पहले भी सैयद जफर और अजय सक्सेना जैसे कई बड़े नेता, जो कि कमलनाथ के काफी ज्यादा करीब माने जाते थे, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। लगातार जिस तरह से कमलनाथ के बेहद करीबी लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और शायद यही डर नाथ परिवार को सता रहा है कि कहीं उनसे उनका गढ़ अब छिनने तो नहीं वाला। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।